रेके बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़े इससे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले आपको याद दिला दें, मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनकी जगह आदेश गुप्ता ले चुके हैं। बता दें आपको कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी, जिसके बाद मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। करारी हार के बाद ये पार्टी में बदलाव किया गया है, आदेश गुप्ता बनाए गए हैं दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लाइव टुडे पर, जहां मनोज तिवारी की जगह नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आदेश गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शंकर सुमन फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी की कमान संभाल रहे थे और बड़े वादे भी उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का हाल बीजेपी का दिल्ली में हुआ, उसके मद्देनजर अब एक बड़ा बदलाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए आपने सही बात कही कि ये दिल्ली में बीजेपी को लेकर अहम बदलाव हुआ है, और जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद है मनोज तिवारी, और एक जाना माना नाम है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, कहीं भोजपुरी गायक के तौर पे उनकी पहचान हुई थी, और उनके नेतृत्व में यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा गया। हालांकि उसके पहले देखिए तो लोकसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया, और दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे कि एमपीडी का जो चुनाव हुआ था, नगर निगम का चुनाव, उसमें भी बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता हासिल हुई थी। वही लोकसभा चुनाव में भी सात के साथ जो सीट है वो बीजेपी में कामयाब हुई है, लेकिन अगर दिल्ली विधानसभा का चुनाव कहें तो निश्चित तौर पे है वो एक बार फिर से बीजेपी को इसमें करारी हार मिली, और आम आदमी पार्टी को बैक टू बैक दूसरी मतवा यहाँ पे बड़ी जीत हासिल हुई है। तो उसके बाद ही ये देखिए चर्चाएं हो रही थी, फैसला शंकर हुआ है, और कई बार ऐसा देखा गया है कई जगहों पर कि बीजेपी ने सेलिब्रिटीज के नाम का इस्तेमाल किया है, उनके चेहरों का इस्तेमाल किया है चुनाव के समय पे, लेकिन ये लगातार देखा गया कि दिल्ली को मनोज तिवारी कुछ खास दे नहीं पाया, शायद इसलिए ये बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, हालांकि देखिए मनोज तिवारी को लेकर बीजेपी के अंदर है, अगर दिल्ली खासकर टीम की बात है तो जो दिल्ली के रहने वाले नेता हैं उनके तरफ से कहीं ना कहीं इसमें विरोध बीच बीच में आता रहा है, क्योंकि ये पूर्वांचल से आते हैं मनोज तिवारी। हालांकि पार्टी की जरूर सोच रही होगी कि पूर्वांचलियों को साधने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को, बिल्कुल एक बड़े नेतृत्व की दिल्ली में कहीं ना कहीं जरूरत थी। और एक बात पर और प्रकाश में डालना चाहूंगी कि कोरोना काल में भी विपक्ष के तौर पर कुछ बड़ा नहीं कर पाए मनोज तिवारी दिल्ली में, जो एक बड़ी वजह और रही। शंकर, तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों को बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बदल चुका है।